हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम लोग और एक नया नोटिफिकेशन लेके दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेगा HAL रिक्रूटमेंट 2026 का तरफ से, जिसमें स्टाफ नर्स के लिए 5 वैकेंसी असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया। सो इसमें हम डिटेल्स में आप लोग को पूरा जानकारी देने वाला इस वीडियो में। सो जो लोग पूरा वीडियो को देखना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, हम ए टू जेड पूरा शेयर करें इस वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, ठीक है। पहले तो यहाँ पे देखिए HAL रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस डिवीजन नासिक का तरफ से जो वैकेंसी जारी किया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका डिटेल्स में हम आपको शेयर करने वाला है। इसमें BSc नर्सिंग जो लोग कंप्लीट करके चुका है उन लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है। सो इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस हिंदुस्तान ऑटोनॉमिकल लिमिटेड प्रोवाइड का तरफ से जो नॉलेजेबल रखा है, इसमें जो नर्स के लिए जो वैकेंसी रखा उसका डिटेल्स हम आपको शेयर करने वाला है। पहले तो यहाँ पे देखिए HAL रिक्रूटमेंट 2026 का तरफ से नर्सिंग असिस्टेंट वैकेंसी के लिए जो पोस्ट रखा उसका डिटेल्स का एक बार बात कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रखा है हिंदुस्तान एविएशन लिमिटेड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस डिवीजन नासिक का तरफ से रहेगा। पोस्ट नेम रहेगा नर्सिंग असिस्टेंट के लिए लेकर जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 5 वैकेंसी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो नेचर रहेगा, इसमें आप लोग को बेसिक्स 1 ईयर के लेगा लेकर जाएगा। जॉब लोकेशन रहेगा नासिक में और स्टार्ट ऑफ डेट यहाँ पे 9/8 से ऑलरेडी शुरू हो चुका और इसका लास्ट डेट रहेगा 31/8/2024, ठीक है। तो इसका पहले आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स में देख लीजिए। और फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 2 and 3rd वीक सितंबर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पब्लिश करेगा शॉर्ट लिस्ट, इसमें 4th वीक सितंबर को पब्लिश कर देगा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2nd अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है, नीचे आने का बाद यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा है, BSc नर्सिंग डिग्री क्वालिफिकेशन अप्लाई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिग्री 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विथ नर्सिंग काउंसिल एसेंस मैंडेटरी है, आप लोग को नर्सिंग रजिस्ट्रेशन में चाहिए। स्टाइपेंड का हिसाब से आप लोग देखा जाए पे में 9000 के पास, उस आप लोग को सैलरी के साथ डीएस अलाउंस भी साथ में मिलेगा मंथली स्टाइपेंड, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग को यहाँ पे जो मार्क्स होगा ऑप्टेन, उसका डिग्री हिसाब से आप लोग को जो एकेडमिक नंबर होगा और एक्सपीरियंस का अनुसार सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को मिल जाएगा, नीचे हम बता देंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें जाएगा। तो उसके बाद आप लोग अच्छे से एक बार लॉगिन करके वेबसाइट में गूगल में जाके लिंक को डाउनलोड करके फिर फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगा, डायरेक्ट फ्री में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम PDF को एक बार दिखा देते, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल PDF को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोग पूरा डायरेक्ट नीचे आएगा तो इसमें जो वैकेंसी का हिसाब से जो और भी ज़रा पैरामेडिकल का जो वैकेंसी है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग का तरफ से रहेगा, डिफेंस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का तरफ से, ठीक है, साउथ एशियन का तरफ से रहेगा। और इसमें नीचे आने के बाद जो पोस्ट रखा है जो डिटेल्स में है उसका डिटेल्स हम आपको शेयर करेंगे। 8 नंबर में देख सकते हैं फार्मेसी के लिए 4 पोस्ट रहेगा, ठीक है। इसमें डिप्लोमा और B.Pharma करके रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएगा 15 नंबर में DMLT लैब असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट रहेगा, ठीक है। सो जो लोग DMLT कंप्लीट करके चुका है डिप्लोमा, उसके लिए भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आने के बाद आप लोग को 21 नंबर में आप लोग देखिए जो 5 वैकेंसी रहेगा नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, ठीक है। जो लोग नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अब BSc नर्सिंग है तो आप लोग कोर्स उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 5 वैकेंसी के लिए, ठीक है। डिप्लोमा नर्सिंग का हिसाब से यहाँ पर रखा है और डिप्लोमा नहीं रखा सकते तो बेसिक नर्सिंग जो लोग है BSc नर्सिंग कंप्यूटर उन लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2020, 2021, 2022 के रेट पास आउट हो गया तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट आप लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग फॉर्म को जाकर आप लोग एलिजिबिलिटी है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इस लिंक में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, पोर्टल में जाकर पूरा डायरेक्ट आप लोग ऑनलाइन में आवेदन कर सकता है, ठीक है। सो नीचे आने के बाद नेशनल आप लोग को ओनली इंडियन रहेगा, भारतीय नागरिक रहना जरूरी है। रिजर्वेशन और यहाँ पे जो एप्लीकेशन रहेगा उसका भी अच्छे से एक बार पढ़ के फिर गाइडलाइन का हिसाब से SC ST OBC PW EWS को जो रिजर्वेशन कोटा रहेगा उसके अनुसार आप लोगों को सिलेक्शन किया भी जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद नीचे आएगा तो इसका जो एज क्राइटेरिया उसका तो देख लिया। उसके बाद स्टाइपेंड आप लोग को यहाँ पे 50% स्टाइपेंड पे करेगा कंपनी का तरफ से उसके तरफ से और बेनिफिट भी मिलेगा आप लोग को। और अदर्स जो सर बैंक अकाउंट रहेगा रूल्स एज पर रूल्स के हिसाब से होगा। और अप्लाई कैसे कर सकते आप लोग, अप्लाई आप लोग कैंडिडेट जो रजिस्टर करेगा इसके हिसाब से ईमेल में जाकर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं पूरा डायरेक्ट, ठीक है। सो कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, हम जरूर आप लोग को सहायता करेगा। सो बहुत अच्छा
पोस्ट है, सेंट्रल कॉम्बेट का जॉब है, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा एक मौका है। सो आशा करते हैं इस फॉर्म को आप लोग अच्छे से देख के फिर फॉर्म को अप्लाई करिए, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट जिसमें बीएससी नर्सिंग है तो उसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो कुछ भी डाउट हो नीचे कॉमेंट जरूर बताया। बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करके रखा तो आप लोग इसी साल में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो आप लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम रूल्स का हिसाब से भी आप लोग को पेपर होगा। सो कुछ भी डाउट हो, थैंक यू वॉच करने के, मिलते रहे, शेयर लेके और नोटिफिकेशन लेके जरूर हाजिर होंगे आप लोग के लिए।